बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मीना सादिक। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज दम बिरयानी, और बिल्कुल हम रेस्टोरेंट स्टाइल स्पेशल बिरयानी बनाएंगे जो आपको जरूर पसंद आएगी। तो उसके लिए हमने देखे ये इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। ये इतनी प्यारी प्यारी हमारी मौसम की ग्रीन वेजिटेबल्स हैं हमारे पास, और कितनी प्यारी लग रही है, कलरफुल। ये हमने थोड़ी थोड़ी ले ली है। ये हमने देखे कॉलीफ्लावर जो है हमने हाफ बंच ले लिया है, एक वन पोटैटो बड़ा लिया है हमने, ये हमने सेम ले लिए हमने 6 से 7। ये हमने ग्रीन अनियंस ले लिए, ये हमने कैबिज ले लिए, ये देखिए हमने ये भी हमने हाफ से भी हाफ लिए, और एक हमने कैप्सिकम लिए, एक ही हमने कैरेट लिए। ये देखिए हमने हाफ कप घी ले लिया है, एक कप भर के। ये हमारा एक कप भर के हमारे पास घी है, उसमें हम एक बड़े साइज की प्याज जो है हमने काटी है, और इसमें हम ब्राउन करेंगे। अगर आपके पास तली हुई प्याज है तो नो इशू, तो आप बाद में वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो रहा है अभी। चलिए देखिए हमारी प्याज जो है ब्राउन हो चुकी है, इसमें से हम थोड़ी सी निकाल लेंगे। ऊपर से गार्निशिंग के लिए, और ये हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया हाफ प्याली, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कोई भी चीज़ों को ज़ाया ना करें, थोड़ा डालें। ये हमने 4 टमाटर लिए हैं, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भून जाएगा, फिर हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें डालेंगे। टमाटर भी हमारे साथ साथ थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। ये हमने 3 कप चावल लिया है, और हमारा पानी हो चुका है, उसके हम डाल रहे हैं। सारा चावल डाल दिया है, ये देखिए हमने 3 टेबल स्पून हमने भर के सॉल्ट डाल दिया है। ये हमने 6 से 7 काली मिर्चें ली हैं, ये हमने 6 से 7 लौंगे लिए, एक दालचीनी का टुकड़ा है, एक हमने बड़ी इलायची ली है, और एक बादियान का फूल है, ये 5 हमने ग्रीन वाली इलायची ली है, ग्रीन कार्डमम। ये देखिए हमारा टमाटर हो चुका है, और हमारा अदरक लहसुन भी अच्छे से भुन चुका है। तो पहले जो सब्जियाँ हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको हम पहले वाली पका लेंगे। जैसे हम पोटैटोज के अंदर डाल लेंगे, जिनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा वो हम पहले डाल रहे हैं। ये देखिए इसमें हमने आलू डाल दिए हैं, और ये हम इसमें कॉलीफ्लावर डाल रहे हैं, और बाकी की वेजिटेबल्स हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे, तब तक ये थोड़ा सा कुक हो जाए। इसमें मटर डाल दिए, और मटर, कॉलीफ्लावर और पोटैटो, ये तीनों चीज़ें हम जो है अभी इनको पका लेंगे, ताकि ये हल्की सी कुक हो जाएं। तो फिर इसके साथ हम बाकी की चीज़ें ऐड करते जाएंगे, फिर हम कैरेट डाल देंगे, और बाकी की ये 3 चीज़ें हम बाद में डालेंगे। इसमें जब तक हम अपने मसाले ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमने होममेड बिरयानी मसाला लिया है 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून हमने भर के ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, और 1 टेबल स्पून हमने चिली फ्लेक्स लिए, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। या आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको स्पाइसी खाना चाहते हैं या सादा खाना चाहते हैं, तो दिस इज योर चॉइस। ये देखिए कितना अच्छा और खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये हमने योगर्ट ले लिए 1 प्याली भर के, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, इतना प्यारा मौसम है, और उसके अंदर ताज़ी ताज़ी वेजिटेबल्स आजकल बहुत आ रही हैं, जिनका अलग ही अपना टेस्ट होता है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ रहा है। ये देखिए अब इसी स्टेज पे हमने एक जो गाजर ली थी कैरेट, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, हम अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स।
और इसको थोड़ी देर के लिए हम पकने देंगे ताकि हमारी सारी वेजिटेबल्स जो हैं थोड़ी देर के लिए कुक हो जाएं। 5 मिनट के बाद हम ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे और देखते हैं अब हमारा चावल हुआ या नहीं हुआ। अभी हमारे टाइम है 2 मिनट। चलिए जी देखिए हमारे चावल जो है डन हो चुके हैं। अब इसको हम ड्रेन आउट कर लेते हैं। चलिए जी हमारे चावल जो है हाफ डन हो चुके हैं और जब तक हम अपनी वेज तैयार कर लेते हैं। ये हमने इसमें कैबेज डाल देंगे, हम इसके अंदर हम कैप्सिकम डालेंगे, अपने बीन्स डाल देंगे हम और ये ग्रीन अनियंस है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए 3 से 4 पत्तियाँ हमने पुदीने के लिए, 3 से 4 पत्ते हमने धनिया के लिए, 4 से 5 हरी मिर्चें और हमने 6 से 7 लौंग आलू उबारे लिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए हमारा रेडी हो चुका है, फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और चावल के अंदर जो है ये देखिए जो हमने चावल लिए हैं ये हमारे हाफ हैं, इसके अंदर हम अपनी लेयर कर देंगे। देखिए हम इस पर हाफ लेयर लगा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे हाफ राइस ये रहे थोड़े से डाल के और ये हम बाकी की वेज डाल देंगे। देखिए ना अच्छा सा कलर आ रहा है। ये जो बाकी के राइस हैं वो भी हम इस पे डाल देंगे। और अब हम इसको दम पे रख देंगे। फूड कलर डालना है हमें इसमें, अभी जब तक हमने इसको ढक के रखा है। ये 2 पिंच हम फूड कलर ले रहे हैं और थोड़ा सा हम केवड़ा वाटर डाल रहे हैं, मिक्स कर लेंगे और ये हम अपनी बिरयानी में डाल देंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अरे जी देखते हैं, ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है। आइए अब निकालते हैं, फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा, ये देख रहे हैं इसको हम निकालते हैं। ये हमने अपना प्लेटर ले लिया है, इसके अंदर हम निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, ऐसे ही ज़रूर बनाइए। अगर बच्चे नहीं खाते तो उसकी जगह आप लोग चिकन भी बना सकते हैं, छोटे छोटे चिकन के क्यूब्स करके उस टाइम वो भी आप डाल सकते हैं। चलिए जी देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेज दम बिरयानी रेडी है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को हमारी शेयर कीजिए और आने वाली नई वीडियो का इंतजार कीजिए।